तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 9 जहां से हमने पिछली क्लास में इसको छोड़ा था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि बेस जब हमारा कंपोजिट नंबर था तो उस कंडीशन में हमने उसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ कंपोजिट नंबर इंटू प्राइम नंबर्स, तो कल देख लिया था 4 को तो प्राइम नंबर्स में 2 और 2 ही होता है ना, 2 raised to the power 2। उसके बाद रूल्स था अपने पास पावर की पावर मल्टीप्लाई, यानी a raised to the power n की होल पावर m जो थी वो किसके इक्वल हो गई थी, a m n के, है ना, यानी यार 2 3 6 हो जाएगा। तो ये 2 raised to the power 8 मल्टीप्लाई बाय a raised to the power 5 अपॉन 2 raised to the power 6 मल्टीप्लाई विद a raised to the power 3। फिर वही डिवाइड का साइन था, a raised to the power n डिवाइडेड बाय a raised to the power m, तो सबट्रैक्शन हो जाएगा, पता है आपको, तो कर दे सबट्रैक्शन। तो 2 raised to the power 8 - 6 मल्टीप्लाई बाय a raised to the power 5 माइनस 3, तो बना 2 raised to the power 2 और a raised to the power b 2। देखो यहां देखा हमने कि बेसिस क्या थे हमारे, अनइक्वल थे, बट पावर्स क्या थी, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या था अपने पास, a raised to the power n मल्टीप्लाई विद b raised to the power n, तो बनता क्या था a b की पावर n, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग देखा तो 2 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा, इसकी होल पावर 2 बनेगी आपकी, तो आंसर आएगा 2a square। ठीक है, हमने वापस को रिपीट कर लिया। क्वेश्चन तो पहले हो गया था ये, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 10, a raised to the power 5 सिंपल सा काम है, a raised to the power 3 मल्टीप्लाई विद a raised to the power 8, है ना, एकदम आसानी तो है। देखो यहाँ डिवाइड दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया, डिवाइड देते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में a raised to the power 8 हो जाएगी, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रिमेनिंग रहा, मल्टीप्लाई a raised to the power 8 बनी, बेस इक्वल थे, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 8 इट गिव्स a raised to the power 10। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन को, पार्ट नंबर 11th। 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाई विद a raised to the power 8 b raised to the power 3, 4 raised to the power 5 a raised to the power 5 और b raised to the power 2। देखो दोनों डिवाइड्स में है, पावर सब्ट्रैक्शन में ही जाएगी, है ना, जाने दो, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ साइन नहीं गिवन है, इट मीन्स ये भी मल्टीप्लाई का साइन ही है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 4 raised to the power 5 - 5 हो जाएगी, a raised to the power 8 माइनस 5 हो जाएगी, b raised to the power 3 माइनस 2 हो जाएगी, 5 में से 5 सेपरेट किया 0, a raised to the power 3 b raised to the power 1, किसी की पावर 0 यानी 1, a 3 b, तो आएगा a 3 b, आंसर हो गया सिर्फ अपना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, है ना, लास्ट पार्ट शायद हो गया होगा, नहीं हुआ तो अभी देखते हैं इसको, पार्ट नंबर 12।
पार्ट नंबर 12 है इसका कि 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की होल पावर 2। बेवकूफ समझ रखा है अपने को, है ना। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 ही तो होगा, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर होल पावर में 2 है ही, अंदर क्या हुआ 2 रेज टू द पावर 4 की होल पावर क्या होगी अपनी 2, 4 2 जा क्या बना 8, मल्टीप्लाई कर दिया ये तो 2 रेज टू द पावर क्या हुई 8। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। तो यहां तक का काम मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क के तौर पे पहले ही दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ट्रू और फॉल्स भी करो और आंसर भी बताओ, कहीं सही क्यों था ये। यहां लिखा देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 11। ये कह रहा है क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11 जो है वो 100 रेज टू द पावर 11 के इक्वल होता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर m, देन a इज इक्वल टू n प्लस m हो जाता है अपना, है ना। तो अगर मैं इस LHS पार्ट की बात करूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं कि 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 11, और इधर लिखा मैंने 10 रेज टू द पावर 100 रेज टू द पावर 11, तो इधर तो मेरे पास 10 की पावर 11 आई है, इधर आया है 100 की पावर 11। क्या आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? फॉल्स। फुल्ली आंसर करके दिखाया हमने ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट कह रहा है 2 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 2। क्या होता है क्या नहीं होता है? देखो 2 रेज टू द पावर 3 तो किसके इक्वल होता है 8 के, 5 रेज टू द पावर 2 किसके इक्वल होता है 25 के। क्या 8 25 से बड़ा है क्या? नहीं है। इट मींस ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपना कि फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया हमसे पार्ट नंबर 3, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 रेज टू द पावर 5। हो गया क्या? नहीं होता किसी कंडीशन में, है ना। हमने क्या रूल्स पढ़े थे कि जब बेसेस अनइक्वल होते हैं, पावर इक्वल होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहां से कबाड़े कर रहा है, देखो 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9, और 6 की पावर 5 इट मीन 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 टाइम, 8 9 जा 72, 6 6 जा 36, 36 को 6 से किया 216, 216 फिर 36 से करेगा 7776। ये दोनों नॉट इक्वल है, इट मींस ये भी क्या हो गया अपना फॉल्स, यानी सारे स्टेटमेंट ही क्या जा रहे हैं फॉल्स। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट को, इसके फोर्थ पार्ट कह रहा है 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 रेज टू द पावर 0। यस, ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि a रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, यानी यहां 3 रेज टू द पावर 0 यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये ट्रू हो गया अपना। चलो ट्रू का मौका तो मिला कि जहां ये सही भी हो रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी सारे क्या थे? फॉल्स स्टेटमेंट थे, कि वो लास्ट स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट था। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए कि आराम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग
एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेचारा एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा है ना, पहले भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही पूछी थी है ना, बट पहले की कंडीशन में अब की कंडीशन में एक छोटा सा डिफरेंस दिया है। इसने हमसे ये नहीं कहा कि इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले केवल एक वन नंबर मिलता था ठीक है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते थे, यहाँ एक पेयर मिला हुआ है ना। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की फर्स्ट की बात करूं मैं अगर, तो मुझे मिला 108 मल्टीप्लाई बाय 192। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज नहीं करना है, पहले फैक्टराइज करेंगे फिर देखेंगे आगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 108 को फैक्टराइज किया 2 की टेबल से, 54 टाइम 2 की टेबल से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 ठीक है। अगर मैं 192 की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड हुआ, 9 टू जा 18, 6 टू जा 12, फिर 2 से हुआ 48, फर्दर 2 से 24, 12, 6, 3 एंड 3 टू 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 108 को लिखा मैंने 2 की पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, और 192 लिखा गया 2 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3 रेज टू द पावर 1। ये तो थे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का रूप ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 और 192 मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना, देयरफॉर 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 और 3 रेज टू द पावर 1। हमने रूल्स क्या पढ़े हुए हैं कि व्हेन बेसिस आर इक्वल पावर विल बी ऐड है ना, a रेज टू द पावर n एंड a रेज टू द पावर m, मल्टीप्लाई का साइन था बन जाएगी n प्लस m। बट सेम कंडीशन की बात करनी है मैं सिर्फ, तो यहाँ लिखा देखो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 हो जाएगा और साथ में चलेगा 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 1, तो मिला 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। ये अपना फाइनल आंसर बना, क्योंकि क्वेश्चन ने भी हमसे यही कहा था कि इसको केवल और केवल प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म, वो भी इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और कहीं लिखा हुआ नहीं होना चाहिए ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर लिया है, आपके लिए एक पार्ट और कर लेते हैं हम लोग ठीक है। रिमेनिंग टू पार्ट्स डू योरसेल्फ के पार्ट में चले जाएंगे आपके लिए ठीक है। मान ली लिखा मैंने 729 मल्टीप्लाई विद 64, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 729 का कर दें, फिर 64 का, 729 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से जाएगा, 3 टू जा 6, 3 फोर जा 12, 3 थ्री जा 9, फिर 3 की टेबल से 8 3 जा 24 1, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 टू 3 एंड 3 टू 1, यानी ये बन गया अपना 3 रेज टू द पावर 6 ठीक है। और इसका चला अपने पास में 2 32, 2 से 16, 2 टू 8, 2 टू 4, 2 टू 2 और 2 टू 1, यानी 729 क्या होता है 3 रेज टू द पावर 6 और ये हो गया आपका 2 रेज टू द पावर 6। अब देखो दोनों के बेसिस अनइक्वल, पावर क्या थी इक्वल है ना, चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हो, 100% लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 6। यहां तक लिखो तो भी सही है, आगे करो तो भी सही है ठीक है। हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है अपना
उसकी तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को करने के बाद किसी के डाउट्स उठाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर बुक में आपके पास आंसर्स में आंसर फॉर्मेट अगर इसको 3 raised to the power 6 और 2 raised to the power 6 तक दे रखा है तो भी सही है। अगर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहे तो बेसिस अनइक्वल थे, पावर इक्वल थी तो हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो अगर किसी के डाउट्स के रिगार्डिंग यही बात थी तो मैंने डाउट्स को भी क्लियर कर दिया आपके, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, ओवरऑल इसमें 3 questions है। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट सेकंड की। 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई विद t raised to the power 8 अपॉन 10 raised to the power 3 और t raised to the power 4। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए थे बेटा हमने, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा था, कंपोजिट नंबर किसमें बदल दे, प्राइम बदले। तो देखो 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 की टेबल में 5 टाइम, 5 की टेबल में 1 टाइम। 10 किसके लिए आता है, 2 की टेबल में 5 टाइम और 5 की टेबल में 1 टाइम। बस तो 25 की जगह क्या लिखा मैंने, 5 raised to the power 2। ये 5 raised to the power 2 पहले से ही था, t raised to the power 8 भी लिख दिया। 10 क्या होता है, 2 multiplied by 5 raised to the power 3 into t raised to the power 4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 2 और 5 दोनों की पावर कितनी है, 3 है। यानी 3 जो है वो 2 के साथ भी चिपका हुआ है और 5 के साथ भी चिपका हुआ है। चलो इस चिपके हुए को अलग अलग कर देते हैं हम लोग, है ना। चलो ये हटाया मैंने, इनके अलग अलग करने का तरीका निकाला, ये लो 2 raised to the power 3 हो गई और 5 raised to the power 3 हो गई। यहां t raised to the power 4 है हमारे पास। अब देखो दोनों के बेसिस इक्वल, साइन मल्टीप्लाई पावर एड, नीचे डिवाइड वाला है ऊपर जाते सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, है ना। तो यह 5 raised to the power 2 plus 2 minus 3 t raised to the power 8 minus 4। 2 बेचारा अकेला है तो उसको नीचे पड़ा रहने दो, उसकी जगह क्यों चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसकी जगह चेंज करने से कोई सेंस वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये बात कर रहा है इसको सिंप्लीफाई करने की, है ना। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना नहीं है, फाइनल आंसर निकालना है। तो 5 raised to the power 4 minus 3 t raised to the power 4 और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। 5 raised to the power 1 multiplied by t raised to the power 4 upon 8। 5 की पावर 1 तो 5 ही होती है, t4 ही होता है, 8 का 8 आ जाएगा। आप चाहो तो 5 और t4 के बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, अदरवाइज 5t4 upon 8 इसका फाइनल आंसर बन जाता है, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो मैंने आपको अपने आप करने के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बस रूल्स दिमाग में फिट रखो कि रूल्स में क्या होने वाला है, ठीक है, सारे काम आसानी से होते रहेंगे। देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, 2 raised to the power 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 raised to the power 3 या था 8 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 8 को हम लोग क्या लिख सकते बेटा, 2 raised to the power 3, है ना। और यहां पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 7 की पावर 3 और ये बन गया 2 की पावर 3 और होल पावर 3 है पहले से। 2 की पावर 3 क्यों हुआ था, क्योंकि हमने 8 को क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो यह आएगा 2 की पावर 10, 7 की पावर 3, 2 की पावर 9 और 7 की पावर 1। रूल्स लगा दे डिवाइड वाला,
तो आया 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा इधर ये, तो 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2। 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर बनता है 98। बस हो गया कंप्लीट। इसका लास्ट क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, अगर होता है तो बेटर है, अदरवाइज नेक्स्ट डे की क्लास में एक्सरसाइज 13.3 के साथ साथ उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।